हेलो कक्षा 10 की स्टूडेंट, कक्षा 10 देखिए एक्सरसाइज 4C, 4C का सवाल है तुम्हारा 13वां सवाल। इसमें लिखा है 4√3x²+2x − 2√3 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे, 4√3x², यहाँ पे देखिए 4√3 और 2√3 का यदि गुणा किया जाए तो 4 × 2 = 8, 3√3 का 3 में तो 3 आएगा 24 आएगा, 4 × 2 = 8 = 24, 24 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर कितनी आए 2 आए, तो 6 × 4 = 24, 6 यहाँ लिख सकते हैं 6x − 4x − 2√3 = 0। तो यहाँ पे देखा जाए 2√3x कॉमन है इन दोनों में, क्योंकि 6 को लिख सकते 2√3 और 3 को लिख सकते हैं √3√3, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2x + √3। इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ का 2 × 2 = 4√3, देखिए वही आता है x², और 2√3 का √3 से करेंगे क्या आएगा, 2√3 का √3 से करेंगे तो कितना 2√3 6 हो जाएगा, 6x का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + √3 = 0। अब क्या कॉमन है, ये कॉमन 2x + √3 ये कॉमन है, यहाँ बनेगा एक ब्रैकेट में 2√3x − 2 = 0, तो यहाँ पर 2x + √3 = 0, यहाँ 2x = −√3, तो x = क्या आ जाएगा −√3/2, या इसी में ये वाला खंड देखें 2√3x − 2 = 0, तो 2√3x = 2, तो जो x आ जाएगा वो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 करेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, तो x के जो मान आएंगे वो आएंगे −√3/2 और 1/√3, ये तुम्हारे मान आ जाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4D का पहला सवाल, पहला सवाल है 6x² − 13x + 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 6x² − 13x, तो यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे 169/24 को हम जोड़ देंगे और 169/24 को हम घटा देंगे +5 = 0, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, तो ये वाला जो तुम्हारा होगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा √6x − 13/2√6² इतना, देखिए इसका क्या आएगा, अगर वर्ग कर तोड़ेंगे तो 6x² आएगा, इसका तोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 × 13 = 169, 2 × 2 = 4 = 24 आ जाएगा, और इसको करेंगे यदि हम भाग करेंगे तो इसका इसका गुणा होगा, दुगुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, दुगुना ये आ जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 24 × 5 = 120, यहाँ पर आ जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर यदि −169 और प्लस कितने हैं 5 × 4 = 120, ठीक है। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस ले लें, यहाँ पे ऐसा कर लें, यहाँ पे क्या कर दें 24 LCM आ जाएगा, हाँ 120 यहाँ पे, अगर हम यहाँ प्लस लगा दे रहे तो ये भिन्न यहाँ पे हल कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे √6x − 13/2√6² और यहाँ पे देखा जाए कितना बचेगा, यहाँ पे 9 की 9 9 6 में 2 की 4 माइनस के बचेंगे ना 24 = 0, तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं 13/√6² तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 49/24 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा √6x − 13/2√6² यहाँ पे किसका 7/√6 2 × 4 = 24² ये बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लीजिए यहाँ पे, तो 13/2√6 ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट में, फिर ये क्या एक बार प्लस में कर दीजिए इसको 7 और एक बार ही माइनस में हो जाएगा √6x − 13/2√6 − 7/2√6 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा √6x और 13 में से 7 की कितनी बचेंगे 6/√6, एक जैसा हर है ना, तो इसमें 13 से 7 माइनस के बचेंगे 6/√6
दो अंडर रूट छः, इसमें देखें अंडर रूट छः एक्स, यहाँ 20 जुड़ जाएंगे तो 20 दो अंडर रूट छः, अगर इसको हल करोगे तो 2 3 6 यहाँ बनेगा 2 2 20, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट छः एक्स माइनस 3 बटे अंडर रूट छः, और यहाँ पे अंडर रूट छः एक्स माइनस 10 बटे अंडर रूट छः बराबर 0, अलग अलग कर देंगे अंडर रूट छः एक्स माइनस 3 बटे अंडर रूट छः बराबर 0 आ जाएगा, तो अंडर रूट छः एक्स बराबर जाएगा 3 अंडर रूट 6, तो एक्स बराबर जाएगा 3 अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से गुणा हो जाएगा 6, 3 3 3 6, तो एक्स बराबर क्या आएगा 1 बटे 2। अब यह इसी में देख लीजिए अंडर रूट 6 एक्स माइनस 10 बटे अंडर रूट 6 बराबर 0, तो अंडर रूट 6 एक्स बराबर क्या 10 बटे अंडर रूट 6, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 6 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 10 बटे 6 2 3 6 2 5 6 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5 बटे 3, तो ये मान आ जाएंगे इसके एक्स बराबर 1 बटे 2।